गाइस आग अपनी लग गई है, आग जल गई है। ये लोग गाइस अपना चैनल का नाम बता रहे, तो प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका भी ब्लॉग का चैनल है केपी राठौर। मनु कहाँ पहुँच गए? सीतापुर। गाइस वो गाइस एक और पोपट हो गया यहाँ पे, मारा उसको गाड़ी वाले को क्या करने के लिए आए। दंगा मत करो भाई। और मनु तो दो बार रास्ता भूल गए। इन्होंने भी चैनल का नाम पूछा, सब्सक्राइब भी किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10 और ये देखो ये किसी गाड़ी है पहचानो, ये अपने मनु भाई है। मनु और मनु के छोटे भाई है शिवेंद्र। तो दोनों लोग, ये लोग भी आज हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप पर निकले हैं गाइस। ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप नहीं है, 40-45 या 50 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिप है। तो ये दोनों भाई भी रेडी हो गए, बैग वैग टाक लिया। और मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं अंकित कुमार वर्मा, वर्मा जी बैठे हुए हैं। तो वर्मा जी के पास भी अपना बैग है जिसमें अपना थोड़ा बहुत कुछ सामान है, तो वो आपको चल के दिखाएंगे क्या सामान है। और धूप तो इस समय हो ही रही है क्योंकि 10 बज गया है। हम लोग का गाइस प्लान था सुबह 9 बजे निकलने का, लेकिन हमारे भाई मनु भैया हमेशा की तरह नाम रोशन रखते हैं, तो नाम कभी भी नीचा नहीं गिरने देते हैं क्योंकि ये अपना टाइम हमेशा लेट आते हैं। आप लोग को भी ये चीज़ पता होगी। हम मनु चल रहे अपनी क्लासिक से, हम अपनी हंटर से। मालिक वो मालिक इतना खर्चा हुआ तो एक चश्मा ले ही लेते हैं। वर्मा जी मनु से कह रहे मालिक इतना खर्चा हुआ तो एक चश्मा ही ले लेते हैं। और ये देखो 10 बजे नहीं कि चौराहे पे भीड़ चालू। और यहाँ से हम लोग 40-45 किलोमीटर जाना है, तो लॉन्ग ट्रिप होगी। जा ऐसी जगह पे रहे, पूरी एडवेंचर टाइप जगह है, मतलब हरदोई से थोड़ा पास ही है तो एडवेंचर पूरी जगह है, मज़ा आएगा काफ़ी। चंदन और चेतन को मैं नहीं लेके आया गाइस क्योंकि हम लोग के पास दो बाइक थी, तो उन लोग को भी थोड़ा काम था घर का, मम्मी उनको कहीं लेके जाती तो मम्मी ने कहा मना किया कि आज नहीं कभी और ले जाना इन लोग को। तो होते हैं लेडीज़ लोग जब रोड पे चलती है ना तो दाएं बाएं कुछ देखती नहीं, बिल्कुल सीधे चली जाती है। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा, देखना चाहिए दाएं बाएं रोड पे अगर आप चल रहे हो। बात तो सही है। ये चौराहा है बिहानी चुंगी, रास्ता गलत चुन लिया था मैंने, वर्मा ने बता दिया। मनु पता नहीं कहाँ पे रह गया अभी, वो पीछे कुछ चश्मा वगैरह लेने लगे थे, तो आगे मिल ही जाएगा। हम लोग आराम आराम से ही चल रहे हैं। लोग यहाँ से धोबिया आश्रम जा रहे गाइस, जो लोग हरदोई में रहते होंगे उन लोग को पता होगा। तो धोबिया आश्रम एक ऐसी जगह है ना, पूरी एडवेंचर जगह और काफ़ी पुरानी जगह है, वहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा है और पूरा जंगल एरिया है गाइस, एडवेंचर जिसको बोलते हैं। और ये जो ब्रिज आएगा ना, ये बिहानी चुंगी का ब्रिज आएगा, इसको बिहानी चुंगी वाला ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, सामने आप लोग को दिख रहा होगा ये बिहानी चुंगी वाला ब्रिज है। A few moments later. अभी मनु का अंकित पे फोन आया है, तो पता गाइस क्या हो गया? फोन वो लोग शहजानपुर वाले रोड पे चले गए। अरे यार हद कर दी मनु ने, एक तो साथ में नहीं आया, अब रोड भी उसने गलत चुन लिया, अब हम लोग को आगे चल के वेट करना पड़ेगा। तो वेट करेंगे उसका। मैं आराम आराम से ही चल रहा था, अब और आराम से हो जाएगी। कहाँ मनु कहाँ पहुँच गए? मनु कहाँ पहुँच गए? सीतापुर। गाइस वो शहजानपुर रोड भी नहीं पहुंचा, वो डायरेक्टली सीतापुर रोड पहुंच गया, मतलब यहां से करीबन 7-8 किलोमीटर और दूर। इसने बढ़िया कर दिया। तो गाइस पोपट हो गया आज तो, और मनु ने पोपट किया। और इसका गाइस हमेशा कुछ ना कुछ रोल रहता है, पोपट सच में हो गया, मतलब 7-8 किलोमीटर आप दूसरे रूट पर चले गए हो। और ये देखो वर्मा जी फुल मज़े में बैठे हुए हैं। तो वर्मा जी आपके लिए मनु के लिए क्या संदेश है? आज हमें भी बताएंगे। वर्मा जी कह रहे आज आने दो फिर बताएंगे, तो चलो आने दो। और गाइस एक और पोपट हो गया। पोपट क्या हो गया, मतलब मूड ऑफ हो गया मेरा। जो माइक अंदर लगा रहता ना, उसका जो बबल टाइप का कुछ लगा रहता है, जो माइक जो मतलब बैकग्राउंड की आवाज़ को जो कवर करता है गाइस, वो कहीं गिर गया। मतलब मनु के घर गए थे, वहाँ 10-15 मिनट रुके, हेलमेट इधर से उधर हुआ, तो आई थिंक वहीं पर गिर गया है और मूड ऑफ हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ हेलमेट, तो सॉरी गाइस, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग करेंगे तो आपको बैकग्राउंड की आवाज़, रोड की आवाज़, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगी, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, क्योंकि मैं पूरा बैग तो लेके आया नहीं था, तो लेकिन अब वो उतर गिर गया कहाँ पे, तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यहाँ पे रुके मनु का वेट कर रहे, तो मैंने वीडियो को चेक किया, तो पोपट हो गया गाइस, पूरा पोपट हो गया। और मूड तो आप हुआ सो अलग, दिखाता हूँ मैं आपको माइक।
ये देखिए गाइस, सिर्फ माइक ही बचा है इसमें, जो आवाज़ कवर करता है वो गिर गया कहीं पे, मूड ऑफ हो गया पूरा। मैं सोच रहा हूँ गाइस अब मोटो ब्लॉगिंग में कम ही करूँगा, क्योंकि आप लोग को आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आएगी, तो कम ही मोटो ब्लॉगिंग करूँगा। मेरा इरादा तो पूरा था करने का, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। देख रहे हो हम लोग हाईवे पे खड़े हैं, और वर्मा जी देखो वेट कर रहे हैं। क्यों वर्मा जी फिट कर रहे हो, देख रहे हो पूरा मतलब लुक देख रहे हो, कहीं से भी धूप लगनी नहीं चाहिए। लेकिन एक गलती कर दी इन्होंने, पूरी बाही नहीं पहनी, हाथ काले पड़ जाएंगे। और मनु अभी तक नहीं आए, हम लोग को 15 मिनट हो गया गाइस खड़े हुए। सोचो कितना माइंड ऑफ हो रहा होगा, एक तो माइक का वोक हो गया और मनु भी अभी तक नहीं आए, इतनी देर में आधा रास्ता कवर हो गया होगा। अब इनको क्या कहा जाएगा इसे 15 से 20 मिनट लेटर। क्या हो गया, अरे रोड पे आ रहे सामने जा रहा पिकअप आ रही, ओवरटेक कर रहा, हम बिल्कुल समझ रहे हो ओवरब्रिज के ऊपर गाड़ी किधर लेके जाए। कोई बात नहीं, लड़ाई वड़ाई ना करो, दंगा करने के लिए आए, दंगा मत करो भाई, चलो 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 फटाफट। और ये फोन चार्जिंग पे लगा दिया मैंने, हंटर में एक ये फायदा है कि चार्जिंग सॉकेट भी है। हाँ गिरा दो गाड़ी, गिरा दो भैया। इन्होंने पैसे नहीं दिए गाइस, देख रहे हो मनु ने पैसे भी नहीं दिए, और पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, मैं भी अपनी टंकी करवा लूँ फूल। भाई पैसे दे दो, ये गलत बात है मनु यार। अरे भैया किस काम के, ये क्या खा रहे हो, कमला वाह भाई, इलायची है, इलायची है, पैसे दो। ये लोग गाइस साथ चल रहे, अपना खुद घूमेंगे और पेट्रोल मेरे को डलवाना पड़ रहा है, ये तो गलत बात है ना। नहीं गाइस बाइक में हवा चेक करवा ले, और ये पन्नी इसलिए मैंने लगा के रखी ना, तो फोन होल्डर तो लगा नहीं है, तो ये चार्जिंग इसमें पड़ रहा है, चार्जिंग होगा फोन। मनु को बहुत जल्दी होती है ना, तो फिर गलत रूट पे चला गया सर, हम लोग सही रूट पे आए, ये भी गाड़ी लेके आया है। पर गाइस यार मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही, तो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन हाँ मैं एक काम करूँगा, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा गाइस, अब फोन ऐसे होल्डर पे लगा दूंगा, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके, अपना मुत्रासे करने के लिए रुके गाइस, क्योंकि थक बहुत गए, धूप बहुत ज़्यादा, कोई एक घंटा हो गया गाड़ी चलाते चलाते, और मनु तो दो बार रास्ता भूल गए, और यहाँ पे अब ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, बढ़िया वाली ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है व्लॉगिंग करो। देखो मेरे हेलमेट का माउंट का जो हेलमेट का जो माइक था ना, उसका कवर जो वॉइस कवर करता वो कहीं गिर गया, तो आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तो गाइस उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद इतने लंबे रूट पर आया हूँ और मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और ये धोबिया का रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना गंदा रास्ता है गाइस, मज़ा आने वाला है, ऑफ रोडिंग होने वाली है यहाँ पे। ये अपनी पन्नी और चार्जिंग सॉकेट निकाल लेते, ये काम आएगा काफ़ी, और मेरा फ़ोन चार्ज हो गया मतलब भर का। तो गाइस चलो बाइक स्टार्ट करते हैं और करते हैं ऑफ रोडिंग। तो ये रोड जो है ना गाइस, पूरी ऑफ रोडिंग वाली रोड है, इतने कटे हैं ना यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता गाइस, मैं पूरा 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र बड़ा डेंजरस रहा। फिर मैंने रोड चेंज कर दी गाइस, रोड से सीधे आगे मिट्टी पे हम लोग, और मिट्टी का रास्ता थोड़ा आरामदायक था, लेकिन फिर भी इतना कुछ खास नहीं था गाइस। तो फाइनली अब आराम से हम लोग धुबिया पहुँच गए थे, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हम लोग, मैं आगे निकल आया था गाइस, और फिर आगे के रास्ते से ही राइट टर्न ले लिया, और ये हमने एंट्री कर दी धुबिया आश्रम में। और गाइस यहाँ पे देख रहे हो कितनी फैमिली, कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये पूरे फैमिली मेम्बर आए हैं। ये बड़ा ख़तरनाक ऑफ रोडिंग वाला सीन था गाइस, कि हंटर का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है ना, लेकिन फिर भी निकल गई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई गाइस। फाइनली हम लोग तो यहाँ पहुँच गए थे, तो अपना हम लोगों ने पानी वानी पी लिया, मुंह को धुल दिया, और मैंने और मनु ने अंकित ने तीनों लोग ने अंगोछा डाल के रखे अपने देसी वाले स्टाइल में गाइस। तो पहले हम सोच रहे जो पीछे साइड में मंदिर दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम करेंगे, मतलब जो भी करेंगे आराम से इंजॉय करेंगे अपना। तो पहले यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम करेंगे। और गाइस मेरे पास माइक नहीं है, तो शायद बैकग्राउंड से आपको कुछ एडवेंचर जगह है, कुछ जंगल जैसा ज़्यादा है ना, तो आपको बैकग्राउंड से ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। बाकी जो मार्केट वगैरह है, ये सारी चीज़ें खाने पीने वाली चीज़, वो आपको पहले दर्शन कर लेते हैं मंदिर के, फिर आपको उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है। बैग और हेलमेट्स तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉप पे रखवा दिए गाइस, तो यहाँ पे सेफ रहेंगे। देखो यहाँ पे मिठाई की दुकान चालू हो गई, ये भी और ये सारी ताज़ी देना भाई, मिठाई देना तो ताज़ी है बिल्कुल, महीना भर एक गारंटी, महीना भर बेकार नहीं है। ये दोनों देखो पहले अपना खा के टेस्ट करें, फिर मिठाई लेंगे। ताजी देख रहे हो ना, प्योर देख रहे हो, प्योर ये देसी वाली मिठाई है गाइस। तीन जगह प्रसाद हो गया, लो उठाओ। मंदिर बने हुए हैं,
और यहाँ पंडित जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं पहले। और यहाँ पे गाइस जितनी भी जगह बनी है ना वो नीचे ढलान में बनी हुई है, तो हम लोग स्पीड में चल रहे हैं यहाँ पे। और पीछे देख रहे हो ये सब, ये लोग देखो अपना घर बना रहे रहने के लिए। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सब दिखाऊंगा, ये देखो। और ये मंदिर आ गए हम लोग, मंदिर काफी प्यारा बना है। विष्णु जी की मूर्ति है ये। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। वर्मा को देखो कितनी जल्दी कर रहा। ये देखो गाइस यहाँ पे कुछ रहने के लिए जगह बन रही है, ये देखिए। मतलब ऊपर बना रहे हैं लोग, नीचे कोई जानवर वानवर ना आए, पूरा बांस पे खड़ा कर रहे हैं लोग घर। वर्मा जी के गाइस पैर दर्द करने आ गए, और देख रहे हम पूरा जोर लगा के चढ़ रहे ऊपर। यहाँ क्या होता है ना गाइस, फैमिली लोग अपना बच्चे लोग को लेके आते हैं, तो मंदिर वगैरह घूमते हैं, बाकी एडवेंचर्स करते हैं, अपना खाते पीते पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं, तो अच्छा लगता है। अब हम लोग नीचे जा रहे गाइस, और नीचे जा रहे। कितनी नीचे जगह है ना ये, ये देखो मुझे स्पीड पकड़ ले रहा हूँ मैं। हमारे मैंग भैया को, मैंग मतलब इनका सीमन घर का नाम है, मैंग बाहर का, तो इनको पानी पूरी ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे पानी पूरी भी अवेलेबल है। ये देखो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी थी, चाउमीन वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, पूरी फैमिली लोग आते हैं यहाँ पे। इस साइड गाइस मंदिर था ना, तो उस साइड पानी वाला कुछ सीन है। रास्ता देखो कितनी बेकार रास्ता, यहाँ से हम लोग गाड़ी चला के लाए, मैं और मनु, पूरी फैमिली आती है यहाँ पे। तो ये कारों में जो है फैमिली वगैरह सब लोग आते हैं, ये देखो पूरी फैमिली आती है गाइस। छुट्टियों में खास कर ये होता है, जितनी फैमिली वगैरह लोग होते हैं ना, तो वो अपना टाइम स्पेंड करने यहाँ पे आते हैं। और उस साइड काफ़ी अच्छा एरिया है, वहाँ पे पानी वाला कुछ सिस्टम है, तो वहीं पे हम लोग का कुछ प्लान है, तो मैं वही चल के बताऊंगा आपको। तो इस साइड काफ़ी अच्छा एरिया है गाइस, यहाँ पे फैमिली वगैरह जितने भी लोग आते हैं तो वो अपना घर से खाना वाना सब कुछ बना के लाते हैं, तो वो लोग यहीं पे अपना पानी के किनारे बैठ के अपना आराम से इंजॉय करते हैं। एरिया देखो आप, पूरा जंगल, पूरा जंगल। और यहाँ पे गाइस नहाने की जगह भी है, तो हम लोग को अगर मौका मिला ना तो हम लोग नहाएंगे भी, कपड़े लेके आए हम लोग। ये देखो गाइस, ये देखिए फुल एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे, पूरी फैमिली वगैरह जितने भी सारे लोग आए, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। तो ये जगह आराम से बैठने लायक है, और देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, संडे को भीड़ ज़्यादा होती है। और देखो भीड़ देखो आप, ये अपने वर्मा जी खड़े, नहाओगे? मतलब बच्चों से लेके बड़ों से लेके लेडीज से लेके जेंट्स से लेके सब लोग नहा रहे। भैया बता रहे बालों में लौट रहे, नहा नहीं रहे। इधर ये कोई लेडीज गिर गई है, तो बिल्कुल संभल के यहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काई और बालू वगैरह बहुत है। और कुछ लड़के यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं पानी में, तो ये चीज़ गलत है, चोट लग जाएगी पता नहीं चलेगा। बॉल भी खेल रहे हैं। पानी वाला जो एरिया था वो बस इतना ही एरिया है, बाकी सब खत्म है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी वाला इतना ही एरिया था। ये देखो पीछे पूरा जंगल जंगल है, और कुछ भी नहीं है गाइस। ये नाला चालू हो गया। ये नाला चालू हो गया, तो यहाँ से पूरा जंगल एरिया है। और ये देखो एक कब बना था कब नहीं, तो ये सारी चीज़ें लिखी है इसमें। हरदोई के हरियावा गाँव में है ये हरियावा। ये देखो गाइस पूरा जंगल है यहाँ पे। देखो कुछ फैमिली लोग आते हैं, तो अपना खाना पीना बच्चा पार्टी लिट्टी बाटी चोखा सब चलती है। देखो ये भी फैमिली गाड़ी से आई है, तो अपना बच्चों लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं लोग, फुल फैमिली गाइस। यहाँ पे जैसे मैं आया ना, तो कुछ भाई बंधु अपने मिल गए गाइस, तो इन लोग का भाई लोग का भी चैनल है, तो मेरे भी जितने सब्सक्राइबर है गाइस, तो आप लोग भी इन लोग को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा गाइस। यूट्यूब पे जो भी क्रिएटर्स होते हैं, तो वो लोग आना चाहते हैं ना, तो गाइस सपोर्ट किया करिए गाइस। किसी को देखा देखी मत करिए, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिए। तो मेरे को इतना पता है, आप मेरे जितने सब्सक्राइबर हो तो भाई लोग को फॉलो करोगे, इनका भी ब्लॉग चैनल है, तो गाइस ये सब अपने भाई लोग हैं, तो आप लोग हाई हेलो कर दो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास, डीआरएस विकास। ये लोग गाइस अपना चैनल का नाम बता रहे, तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए गाइस। विकास राठौर ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब मी चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सिर्फ विकास राठौर है, विकास राठौर ब्लॉग, विकास राठौर ब्लॉग से गाइस। तो ये करके आप भी इनको पूरा फॉलो करिए गाइस, पूरा सपोर्ट करिए गाइस। भैया आप भी, मेरा केपी राठौर, केपी राठौर, आपका किस चीज का चैनल है? केपी ब्लॉग, इनका भी ब्लॉग का चैनल है केपी राठौर का गाइस। तो होप सो गाइस, मेरे को ऐसा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करोगे और इन लोग को गाइस फॉलो भी करोगे आप लोग। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू, बाय। अरे अपनी फैमिली है, भाई बंधु लोग, अंकित वर्मा जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह। हम लोग कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहे ना गाइस, जहाँ पे कोई ना हो, तो हम लोग बिल्कुल खाली एरिया
ढूंढने की कोशिश करें तो और अंदर चलेंगे और जंगल में और अंदर चलेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे ऐसे फोटो शूट भी होता है, जिराफ और जेब्रा वगैरह सब है, तो फोटो शूट चल रहा है। हम लोग देखो गाइस और अंदर जा रहे हैं और अंदर, और वो देखो एक पार्टी और भी अंदर पार्टी मना रही है, तो हम लोग भी अपना एरिया कहीं पे यहीं पे डेरा बना लेंगे। चल रही है गाइस पार्टी, बाटी चोखा बन रहा है यहाँ पे। हम लोग अभी और अंदर जा रहे हैं और अंदर, मैन वर्सल वाइट की तरह गाइस। अंकित को देख रहे हो आप, पैर दर्द कर रहे, मजबूरी में चल रहा है यहाँ से गाइस। डर लग रहा है यहाँ पे, इस एरिया पे कोई भी नहीं है तो डर लग रहा है कोई जानवर वगैरह कुछ भी ना आ जाए। और ये देखो क्या कर रहा, उसका अंगोछा गिर गया, बच्चे वाली हरकत कर रहा वर्मा। अंदर यार धूप है ज्यादा, अंदर पेड़ वेड़ ज्यादा नहीं, इधर कहीं डेरा बसा लो, उस साइड काफी धूप है गाइस, तो इस साइड कहीं अपना एरिया बनाते हैं गाइस। एक चीज अच्छी हो गई, जो भैया लोग है ना यहाँ पे, लोगों ने हम लोग को ये जगह भी दे दी और चूल्हा भी दे दिया, तो अब यहाँ पे हम लोग को आसानी होगी गाइस। अब यहाँ पे जो प्लान गाइस है, हम लोग का प्लान ये है गाइस, हम लोग मैगी बनाएंगे अपना, तो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह भी लेके आए थे, तो आराम से अपना यहाँ पे पल्ली बिछाएंगे और बैठ के आराम से खाएंगे अपना मैगी बनाएंगे, मस्त लगेगा। और पनीर लाने का विचार था तो पनीर भूल गए गाइस हम लोग, फर्स्ट टाइम ऐसे एडवेंचर जगह पे मैगी खाएंगे तो गाइस मजा आए। गाइस ये देखो लकड़ी बिनना चालू हो गया, चूल्हा पास में है, लकड़ी भी पास में है। ए वर्मा जाओ लकड़ी लेके आओ, विदेश से आए हो पता चल रहा है। तो ये भाई लोग भी मेरे को मिल गए, इन्होंने भी चैनल का नाम पूछा, सब्सक्राइब भी किया, पूछा भाई आप क्या चैनल कौन सा है क्या है। और इस साइड भी देख रहा हूँ तो मैं ब्लॉगिंग चल रही है गाइस, बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर्स मिल गए हैं। हम लोग गाइस यहाँ पे मैगी की तैयारी कर रहे हैं, और भैया पीछे देखो भैया बाटी चोखा बन रहा, चोखा बाटी बन रहा यार, बाटी चोखा है चोखा बाटी बात देखी। और आज एडवेंचर जगह पे मैगी खाएंगे, देखे कैसा फील आता। अभी तक सारे ब्लॉगर्स को मैंने देखा था कि एडवेंचर जगह पे वो लोग मैगी वगैरह खाते हैं, तो आज खुद खाएंगे और पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो कैसा लगता है, तो देखते हैं गाइस। वैसे मैगी वगैरह मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ दोस्त यार के साथ हो जाता है। ये वर्मा और अंकित देखो इतनी देर के गए और चार लकड़ी लेके आए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस मैं और मैंग तो यहाँ पे बैठे हैं, मनु और अंकित का इंतजार कर रहे, तो वो लोग गए पानी लेने के लिए, चूल्हा अपना रेडी है, सारा सामान भी रेडी है, लेकिन ये लोग पानी, मनु और अंकित पानी लेके आए, फिर आगे का कार्यक्रम चालू करे। Many minutes later. गाइस ये दोनों आ रहे पानी लेके, मतलब मैं और मैंग यहाँ पे 15-20 मिनट से पहले अब पानी लेके आ रहे लोग, बहुत दूर था ना, चलो मैगी बनाना रेडी करते हैं। मिर्चा देखो गाइस कितने लेके आए, तो मिर्चा हम लोग को सबको पसंद है ना, तो इसीलिए मिर्चा टमाटर और नमक और प्याज नहीं लाए गाइस। आग लगाना चालू कर दिए, आग लगाने में माहिर है वैसे भी, ये लड़ाई करवाने में भी माहिर है ना इसीलिए, और आग लग जानी चाहिए, एक तेली में इनको आग ही लगानी है गाइस। आग अपनी लग गई है, आग जल गई है गाइस, अपनी आग जल गई है और काम चालू। टमाटर मिर्चा भी रेडी हो गया, आई यार आगे बहुत।